TCS NQT जो मैं 17 अप्रैल 2024 को दिया था, तो वो वीडियो अपलोड किया था जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कोडिंग राउंड चेंज हो गया, राइट, 15 मिनट वाला क्वेश्चन नहीं था। तो बहुत सारा कमेंट्स था कि एग्जैक्ट कोडिंग क्वेश्चन कौन सा पूछता है, राइट। तो मैं बताया था आप लोगों को कि वो चीज़ नहीं पूछता, लेकिन लोग पूछ रहे कि कोडिंग क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था। तो सिमिलर सेम टाइप, सिर्फ डिफरेंट रहेगा जैसे उसका मतलब कंटेंट थोड़ा चेंज रहेगा, राइट। तो सेम जैसा था क्वेश्चन, वो चीज़ मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं या किसी और मतलब किसी और यूट्यूबर से। आप TCS NQT के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको देता है। तो आप यूट्यूब एक्चुअली जो मैं भी पहले यही किया था, यूट्यूब पे मैं देखा था और कहीं कहीं पे, तो और बाद में मुझे पता चला कि TCS NQT ना खुद वो क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। जैसे मैं आपको इसमें नेक्स्ट थोड़ा आगे देखेंगे ना वीडियो में, आगे मैं बताऊंगा एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था, मतलब किस टाइप से था। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो नहीं, मतलब वो तो याद नहीं है, बट जो पूछा था सिमिलर टाइप, एकदम सेम टाइप था, नथिंग चेंज। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप देख लीजिएगा आगे वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो TCS NQT जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाके, TCS NQT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उस पर जाके प्रैक्टिस कीजिए, और वहाँ पर ना आपको वीडियो सब कुछ है वहाँ पर दिया हुआ, आप वो तैयारी करवाता है आपको, जो आप पैसा पेड करते हो कुछ भी फॉर्म के लिए, तो यार वहाँ पर आपको तैयारी करवाता है, राइट। तो आप कहीं अलग क्यों जाते हो, और इतना सिंपल, मतलब समझिए कि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं उस पर देख रहा हूँ, इतना इजी में बताता है ना, कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वैदिक मैथ होता है एक करके जो परसेंटेज का एक लिया था, बहुत इजी, मतलब माउस से आप बना सकते हो, ठीक है, मतलब दिमाग में ही बना सकते हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वीडियो लंबा नहीं हो जाए कुछ ज़्यादा, जैसे 70/40, राइट, इसका परसेंटेज निकालना है। तो पहले मैं थोड़ा सा पेन पेपर लेता था, अब दिमाग में है कि 70/40 यानी 28%, बहुत लोग जानते होंगे ऑफकोर्स, और इसी में चेंज हो जाएगा 72/34। ये भी बहुत इजी से आप ना आप निकाल सकते हो। तो ये चीज़ ना TCS NQT पे आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस कीजिए, और जो कोडिंग क्वेश्चन होगा सब कुछ अगर आप अच्छे से करोगे ना, तो यकीन माने आप आराम से निकाल दोगे, और मतलब इजी है। सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन मुझे क्या डिफिकल्ट लगा, जो एक्चुअली मैं बहुत जगह नेट पे देखा था 15 मिनट का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछा नहीं था, ये एडवांस कोडिंग पूछता है, चेंज हो गया है। तो अब देखिए वीडियो, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन इसी तरह का था, सिर्फ कंटेंट चेंज था। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप इस तरह का कीजिए, हैकर रैंक से।